अब आप ये देखिए कि जब इस गर्मी में गरीब काम करते हुए मर रहे हैं, तब आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने खुद को गर्मी से बचाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को ट्रैफिक जैम में फंसा दिया है। तो देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बात कर रहा था, गरीब का जो जीवन है वो तो यहां बीत रहा है कि कैसे एक बाल्टी पानी का जुगाड़ आज के लिए हो जाए, लेकिन जो अमीर हैं वो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि इन छुट्टियों में वेकेशन पर कहां जाएं। उन्हें यह चिंता सता रही है, जो भारत में जाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि किस हिल स्टेशन पर जाएं, किस होटल में ठहरें, कौन सी फ्लाइट लें, उनकी चिंताएं अलग हैं। जो विदेश जा रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह, किस देश में जाया जाए, किस पहाड़ पर जाया जाए, वेकेशन पर कहां जाया जाए। अमीरों की चिंताएं अलग हैं और गरीबों की चिंताएं बिल्कुल अलग हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं, जहां कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है और ये सारी गाड़ियां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से वहां पर पहुंची हैं और ये सारे लोग गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं। और यहां बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की इन तस्वीरों को देखिए, जहां गर्मी से बचने के लिए इस समय हजारों पर्यटक अपने परिवारों के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहुंच गए हैं और वहां भी स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्योंकि ये जो छोटे हिल स्टेशंस होते हैं वो इतनी पब्लिक और इतने ट्रैफिक के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां नेशनल हाईवे पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं और इनमें से बहुत सारे लोग चार धाम और केदारनाथ भी जा रहे हैं। हम कह नहीं सकते इनमें से कितने वाकई श्रद्धालु हैं और कितने सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और इन चार धामों पर भी ट्रैफिक जैम लगा है। आप केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोले थे और उसके बाद वहां इतने ज्यादा यात्री पहुंच गए कि इससे इस पवित्र तीर्थ स्थल की तस्वीर ही बदल गई और ऐसा लगने लगा कि यह मंदिर शायद मंदिर नहीं, कोई मेला या मौज मस्ती की जगह है। लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में ओवर टूरिज्म कहते हैं, यानी जब किसी जगह पर जरूरत से ज्यादा पर्यटक पहुंचने लगते हैं, जब जहां किसी जगह पर पर्यटन जरूरत से ज्यादा हो जाता है और पर्यटकों की वजह से ही परेशानी खड़ी हो जाती है। और आज इन पर्यटकों की वजह से दुनिया के कई देश परेशान हो चुके हैं और अगर भारत चाहे और हमारे राज्य सरकारें चाहें तो आज जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान में एक बड़ा मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशन है और एक पहाड़ है, माउंटेन है, जिसे माउंट फूजी कहते हैं। ये बड़ा मशहूर है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी, इसको तस्वीरें भी देखी होंगी। और माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां भी कुछ समय पहले तक ओवर टूरिज्म की वजह से ट्रैफिक जैम लगा रहता था, लेकिन इसके बाद वहां जापान की सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर माउंट फूजी पर चढ़ना है तो इसके लिए पहले से आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी, अब मुफ्त में नहीं जा सकते। जापान की सरकार ने यह भी देखा कि माउंट फूजी पर लोग रील्स बनाने के लिए आते थे, जिसके बाद सरकार शहर में कई जगहों पर काले पर्दे सरकार ने लगा दिए, जिससे रास्ते से माउंट फूजी का जो व्यू है वो दिखाई ही ना दे। हालांकि अब इस पर्दे में भी लोगों ने जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए हैं और उन सुराखों के जरिए लोग अपनी तस्वीरें ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो तस्वीरें देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये जो काला पर्दा लगा हुआ है ये उन जगहों पर लगा हुआ है जहां लोग खड़े होकर सेल्फी लिया करते थे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में माउंट फूजी दिखाई दिया करता था और लोग यहां खड़े होकर तस्वीर लेते थे, रील्स बनाते थे। लेकिन अब वहां की सरकार ने ऐसे सभी पॉइंट्स पर, ऐसे सभी सेल्फी पॉइंट्स पर यह काला पर्दा लगा दिया है ताकि लोगों को वो डिस्करेज कर सके, लोगों को यह बताने की कोशिश है कि भाई अब आप यहां मत आइए और यहां से हम आपको फोटो नहीं खींचने देंगे। और सरकार को लगा कि जब लोग सेल्फी नहीं ले पाएंगे, फोटो नहीं खींच पाएंगे और रील्स नहीं बना पाएंगे तो लोग अपने आप ही यहां आना बंद कर देंगे, आना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को और राज्य सरकारों को भी अपने अपने हिल स्टेशंस के बारे में समय आ गया है जब वो ऐसा सोचना शुरू करें। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारे देश में उत्तराखंड है या जम्मू और कश्मीर है,
इन राज्यों की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है, और पर्यटन से इन राज्यों को बहुत आमदनी होती है, लोगों को भी बहुत आमदनी होती है। लेकिन ये आमदनी और ये पैसा किस हद तक होना चाहिए? क्या इस आमदनी और इस पैसे के लिए हम अपने हिल स्टेशन की कुर्बानी दे देंगे, उन पहाड़ों की कुर्बानी दे देंगे, उन राज्यों की कुर्बानी दे देंगे, वहां रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे? इसलिए अब समय आ गया है जब एक लिमिट लगानी पड़ेगी, एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि किसी भी हिल स्टेशन में हर साल हर सीजन में कितने लोग जा सकते हैं। और अब राज्य सरकारों को और अलग अलग राज्यों के जो पर्यटन बोर्ड है उन्हें हाथ जोड़कर लोगों से कहना पड़ेगा कि भाई बस अब मत आइए, अब आपका यहां और ज्यादा स्वागत हम नहीं कर पाएंगे, अगले साल आइएगा।